देखो भाई ये जो बने हुए हैं ना ये हॉल्स, ये देखो यहाँ पे दो बने हुए हैं, ये बंदूक चलाने के लिए होते थे मैं आपको बता दूं। और ये पूरी बंदूक, ये हाँ बंदूक टाइप बंदूक या तोप जो भी आप समझो वो चलाने के लिए पूरे इसके परकोटे में चारों साइड हॉल बने हुए हैं, ठीक है भाई। और ये सीढ़ियाँ मैं आपको बता दूँ इतनी छोटी क्यों बनाई जाती थी, देखो एक आदमी एक्चुअल में जब नीचे से ऊपर जब आते थे ना तो कभी भी जब दुश्मन आए तो एक ही आ पाए ऊपर, एक साथ काफ़ी लोग ना आ पाए, इसलिए सीढ़ियाँ हमेशा आप लोग देखोगे ना तो किले बावड़ी पुराने फोर्ट या फिर पुरानी जो चीज़ें हैं उनमें आपको छोटी छोटी सीढ़ियाँ मिलेंगी देखने को। देखो भाई चलते चलते भाई मिला, क्या नाम है? समीर मीणा। कौन सी क्लास में पढ़ता है? 10th। किला दिखाने वाला है आज भाई हमें, पूरी चीज दिखाएगा एक एक। देखो भाई वो है फोर्ट और यहाँ से यहाँ तक आता है पूरा रॉड वाला रास्ता, मतलब जिसको बोलते हैं ग्रेवल रास्ता, ग्रेवल मतलब ईंट वाला रास्ता है ये भाई भैंस चराता है भाई। ओके यहाँ तक रास्ता जाता है पूरा, फिर वहाँ से वो जो लाइट जल रही है ना वहाँ ऊपर चले जाता है फोर्ट के लिए रास्ता। तो अभी हम अपने शुरुआत करते हैं सफ़र की, यहाँ से आगे चलते हैं फिर आपको दिखाता हूँ। तेरा क्या नाम है भाई? मोनू। पूरा नाम बता यार। मोनू प्रजापत। ओके कौन सी क्लास में पढ़ता है तू? 9th में। दोस्तों यहाँ के पहाड़ों में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे, एक्चुअल में क्या होता है ये लोग भैंस वैंस चराने के लिए आ जाते हैं गाँव के लोग। देखो इस तरीके का रास्ता है, अभी चलते हैं ऊपर फटाफट। कौन सी देवी माता है? दुर्गा माता का मंदिर है। अच्छा दुर्गा माता का मंदिर है। देखो भाई ये जो पत्थर लगे हुए हैं ना यहाँ पे ये पुराने हैं, मतलब पहले के जमाने के। और ये जो बना हुआ है ये नया बनाया आई थिंक। देखो भाई यहाँ से है ना गिट्टियों वाला रास्ता स्टार्ट हो गया है और ये पूरे पहाड़ है ना जो खड़े हुए हैं, मतलब खड़े पहाड़ हैं। इसके ऊपर एक यहाँ पे बुर्ज बनी हुई है, देखो एक वहाँ है यहाँ तक लाइट आती है। और हमको आज ट्रैक करवा रहा है मेरा भाई, क्या नाम है? समीर। वहाँ से आता है पूरा रास्ता भाई। मौसम आज बहुत सही है, हमारे लायक ही मौसम है, मतलब एकदम ट्रैक करने लायक मौसम है। पसीने तो आ गए हैं बट चलते हैं अभी। और देखो वो दिखा फोर्ट वहाँ पे, ये रास्ता ऐसा है। और अलवर से आपको आने के लिए सिर्फ 70 किलोमीटर दूर पड़ेगा और जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पे ये आपको मिलेगा भाई। देखो पीछे का रास्ता, समीर तू कहाँ चढ़ गया भाई, गिर मत जाना। भाई भैंस चराता है ना? नहीं। समीर भैंस चराता है? नहीं। तो बस छोड़ के घर। अच्छा सिर्फ छोड़ के चला जाता है? ओके वापस शाम को अपने आप चली जाती है? हाँ। मस्त है यार ये सिस्टम। देखो भाई चलते हैं अभी फटाफट ऊपर पहुंचते हैं। वो यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट हो जाती है वहाँ पे, ये बुर्ज इधर का। चलो पर एक बुर्ज इधर है, देखो एक यहाँ पे है, वहाँ लेडीज घास भी काट रही हैं। वो वाले ट्रैक से आए हैं हम लोग इस पर। और समीर देखो भाई बुर्ज दिखा ना अभी आपको, इधर भी है। देखो भाई उधर हमारे भैया हैप्पी भैया, उनको लगी है गर्मी, कह रहे भाई थोड़ी एक्सरसाइज करनी है मुझे। बाकी यहाँ से देखो ये आपको बुर्ज लगेगा। हो गई बॉडी गर्म? अरे गर्म तो आके हो गई थी, तो और गर्म किया। ठीक है दोस्तों यहाँ पे ये मंदिर है, एक उधर बुर्ज है और देखो वो लेडीज है ना घास ले जा रही है। एक्चुअल में क्या है यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं ना वो अपनी भैंस को छोड़ देते हैं सुबह, भैंसों को छोड़ देते हैं सुबह, खाना खा पी के वो शाम तक चली जाती है अपने आप। चलो फिर ऊपर चलते हैं फटाफट। देखो भाई यहाँ तक सीढ़ियाँ आती हैं, उसके बाद सीढ़ियाँ ख़त्म। इसको एक्चुअल में राजा प्रताप सिंह ने बनवाया था इसलिए इसका नाम है प्रतापगढ़ फोर्ट। ये दरवाज़ा है यहाँ पे। देखो यहाँ से पूरा रास्ता आता है, एक ये दरवाज़ा है। कितने दरवाजे समीर?
एक ये दरवाज़ा है, तीन टोटल इसमें दरवाजे हैं। और मैं जो आपको ये हॉल बता रहा था ना, ये वाले एक्चुअल में इनको बंदूक बंदूक चलाने के लिए यूज़ लिया जाता था। देखो भाई ये हॉल है, मतलब गेट है, सॉरी एंट्री गेट। और ये पूरा रास्ता है भाई, बड़ा ही ख़तरनाक। सांस फुला दी इसने। देखो जैसे ही गेट के अंदर एंट्री करोगे ना, दोनों साइड में पहरेदार सेफ्टी के लिए उस तरीके का बना हुआ है। देखो फिर एक ये दरवाज़ा है, और देखो जो मैं बता रहा था ना आपको हॉल, वो इस तरीके के हैं। बाकी सामने ये है, और भाई ये आई थिंक किसी समय रूम रहा होगा, बट ये अभी टूट गया है ऊपर की साइड से। ये पूरा बुर्ज है, ठीक है। ये फोर्ट भाई दो तीन मंजिला है, ये दिखने में बड़ा शॉर्ट लगता है बट है नहीं। एक ये है फिर, और देखो यहाँ पे ये मंदिर भी बना हुआ है, मतलब ये आगे मंदिर है, ये संकेत है। ये देखो भाई पुराना पुराना स्ट्रक्चर आज भी जिंदा है। और हम आ चुके हैं अभी टॉप पे। ये देखो यहाँ की खासियत एक बताऊँ मैं आपको, कम से कम 8 से 9 टैंक बने हुए हैं पानी के। इसमें क्या है, नीचे चले नीचे, नीचे चमचड़ चढ़ा। अच्छा चमगादड़ है, ओके। कहाँ पे घोड़े कहाँ बांधे जाते थे, अस्तबल। अच्छा देखो गैस कर सकते हैं, बच्चे की अभी उम्र मुश्किल से 15-1 साल होगी, बट हम एक्सप्लेन करते हैं आपको। जिस तरीके से हम लोग विजिट करते हैं उस तरीके से मैं अपने भावनाओं को व्यक्त करता हूँ कि आई थिंक ये एक मेन जगह रही होगी। ये इधर की साइड का वो है जिसको बुर्ज कहते हैं, एक इधर की साइड का बुर्ज है। और देखो जो मेन मंदिर है ना, मेन महल है, वो उस पार में है, वहीं पे मंदिर बना हुआ है उस माता का। यहाँ से एंट्रेंस है। समीर को पता है, एक्चुअल में समीर यहीं का है ना, इसलिए ये चढ़ जाता है। ये कहाँ जाता है रास्ता, इधर आओ, ये तो चोरों को गेला है। अच्छा चोरों को गेला मतलब, चोर आते थे ना अंदर। अच्छा समीर ये कह रहा था, ये वाला जो रास्ता है ना एक्चुअल में शॉर्टकट रास्ता है। और ये वो बुर्ज है देखो, और ये किला है पूरा प्रतापगढ़ फोर्ट। एक इस पार में है, मतलब छोटा सा इस पार में होल दिया हुआ है। ये पूरी बुर्ज बनी हुई है, और यहाँ पे कुंडे बने हुए हैं। और इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि जितना ये महल ऊपर है ना, कहते हैं कि इस पहाड़ के नीचे अंदर भी महल है। एक यहाँ पे कुंडा बना हुआ है, ये बच्चा कह रहा था समीर कि यहाँ पे मतलब कुछ सोने होने के लिए है, बट ये एक टैंक बना हुआ है। ये बीच में मैन जो है रूम है, रूम क्या एक्चुअल में मंदिर है अभी ये, और वो पूरा महल रहा था प्रतापगढ़ का, देख सकते हो परकोटे। और भाई जो टैंक टाइप का था ना, एक यहाँ है, और समीर इसको कह रहा था ये रानी की चक्की है, बट ऐसा आपको बता दूँ चक्की वक्की कुछ नहीं थी, एज ए सेफ्टी के लिए इसको यूज़ किया जाता होगा। और मैं अंदर भी दिखा देता हूँ आपको, ये देखो भाई इस तरीके से बना हुआ है। ये एक्चुअल में नीचे से देखने पे पूरा बुर्ज दिखता है, तो ये बुर्ज के अंदर की है पूरी कलाकारी। भाई काफ़ी ऊंची पहाड़ी पे बना हुआ फोर्ट है ये, फिर भी अंदर से देखो कितना डेकोर किया हुआ है इसको, किसी समय कितना खूबसूरत रहा होगा ये सोचो। इधर देखो ये चारों साइड का व्यू है, और यहाँ से परकोटे का, और ये शायद अस्तबल या फिर कह सकते हैं किसी तरीके का कोई चीज़ रही होगी। और यहाँ से जो दीवार है ना, ये टूट चुकी है, बट मैं आपको दिखाता हूँ यहीं से चल के। ये देखो भाई ये है पूरा इसका, ये पूरी वॉल है। एक बुर्ज ऐसा है, और जो ये वाला बुर्ज है ना, इसके नीचे बना हुआ है वो जो चक्की चक्की की कह रहा था समीर। और जो टांके हैं ना, टांके कुंडे, पहले एक्चुअल में क्या, इतने बड़े जो फोर्ट होते थे ना, उनमें पानी की सप्लाई के लिए भी नीड होती थी। देखो भाई अभी ये खंडर हो चुका है, टूट चुकी है इसकी दीवारें, ये पूरी किसी समय होती थी बट अब टूट चुकी है। तो ऐसा कुछ बुर्ज वहाँ पे है, वहाँ पे देखो यहाँ से टूट गया है ये पूरा फोर्ट है यहाँ पे।